पूरे देश का पेट भरने वाले अन्नदाता किसानों के पसीने की हर एक बूंद अनमोल है। किसी कारणवश यदि उसके पसीने से सिंचित फसल को नुकसान हो जाए तो उसकी आर्थिक और आत्मीय पीड़ा पर भरपूर सहायता के मरहम का नाम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रदेश में वर्ष 2021-22 के खरीफ सीजन 2021 में इस योजना के तहत 21.60 लाख किसानों द्वारा बीमा कराया गया था। इनमें से मार्च 2022 तक 7.02 लाख किसानों को 654.85 करोड़ रुपए की फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जा चुका है। अकेले गोरखपुर में खरीफ सीजन में 21,801 किसानों को 13,59,000 रुपए की क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है। अन्नदाता किसानों की आय दुगनी करने की दिशा में तमाम योजनाओं का क्रियान्वयन करने के साथ डबल इंजन की सरकार फसलों को हुए नुकसान की भरपाई भी करती है। खेती में किसान और उसके परिवार के परिश्रम को कीमत में तब्दील नहीं किया जा सकता। उसकी प्रत्याशा खूब अन्न उपजाने की होती है, पर कई बार अतिवृष्टि, आंधी, तूफान, पाला, बर्फबारी, ओलावृष्टि, आग और कीटों के प्रकोप से उसकी मेहनत और खेती की लागत बेकार हो जाती है। आपदा में नष्ट किसानों की फसल की क्षतिपूर्ति करने और किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की। इस योजना ने किसानों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार की इस योजना को यूपी के सभी जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर लागू किया है। पीएम फसल बीमा योजना में ऋणी कृषक अनिवार्य रूप से तथा अन्य किसान स्वैच्छिक आधार पर शामिल किए गए हैं। प्रीमियम मद में किसान की देयता को खरीफ फसल में अधिकतम 2% तथा रबी फसल में अधिकतम 1.5% निर्धारित किया गया है। नकदी व औद्यानिकी फसलों हेतु प्रीमियम मद में कृषक की देयता अधिकतम 5% है। किसान द्वारा वहन किए जाने वाले प्रीमियम अंश से अधिक व वास्तविक प्रीमियम दर से अंतर की समस्त धनराशि को अनुदान के रूप में केंद्र व राज्य द्वारा बराबर वहन किया जाता है। योगी सरकार के अब तक के कार्यकाल में कुल 281.25 लाख बीमित किसानों द्वारा फसलों का बीमा कराया गया, जिसमें 27.59 लाख कृषकों को 3,074.60 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। इसमें खरीफ सीजन 2021 में 7.02 लाख किसानों को 654.85 करोड़ रुपए की फसल क्षतिपूर्ति का भुगतान भी शामिल है। गोरखपुर जिले में 2021 खरीफ सीजन में 55,481 किसानों ने फसल बीमा कराया, जिनमें से 21,801 को 13,59,000 रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान प्राप्त हुआ। पूरे गोरखपुर में रबी 2021-22 में 46,828 गोरखपुर कृषकों द्वारा फसल बीमा कराया गया। रबी सीजन में किसानों द्वारा किए गए क्लेम प्रक्रियाधीन है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जोड़ा जाए, विशेषकर जो किसान क्रेडिट कार्ड में लाभान्वित हो रहे हैं उन किसानों को इसमें जोड़े। सरकार इसमें बीमा का 2/3 हिस्सा देती है। किसानों को एक छोटी धनराशि देनी होती है, उससे कोई भी दैवीय हादसा होता है तो उनका रिस्क कवर सरकार व इंश्योरेंस कंपनी कराती है। इसी के तहत पिछले साल जो किसान लाभान्वित हुए थे उसमें इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से ज़्यादा धनराशि हस्तांतरित करने का प्रयास किया है। पिछले साल से ज़्यादा धनराशि हस्तांतरित किया है और किसानों के द्वारा जितने भी दावे प्रेषित किए गए हैं सुगमतापूर्वक किसानों को हस्तांतरित किया जाए, यह प्रयास अभी जारी है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। हर साल हमारा लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इसमें जोड़ें, विशेषकर जो किसान क्रेडिट कार्ड में आच्छादित होते हैं उन किसानों को हम इसमें जोड़ें। सरकार इसमें बीमा का 2/3 हिस्सा देती है, किसानों को एक छोटा अंश देना पड़ता है और उससे कोई भी दैवीय आपदा होती है तो उनका उसमें रिस्क कवर सरकार और इंश्योरेंस कंपनी उठाती है। और इसी के तहत पिछली बार जो किसानों ने जिन्होंने आच्छादित किया था उसमें हमने इंश्योरेंस कंपनी, जो हमारे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, उनके माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि हस्तांतरित करने की कार्रवाई की है। गत वर्ष से भी ज़्यादा धनराशि हस्तांतरित की है और जितने भी दावे प्रेषित किए गए हैं उसको सुगमतापूर्वक किसानों के हस्तांतरित
किया जाए, ये प्रयास अभी जारी है। तो 26 करोड़ से ऊपर हुआ है, अभी 13 करोड़ की किस्त जारी हुई है। तो पहले से हमारा करीब 15-20 करोड़ हुआ था, तो हम लोग कराएंगे, लास्ट ईयर से ज़्यादा रहेंगे।